स्वागत है आप सभी का भास्कर लॉजिक की एक और नए वीडियो क्लास में। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के चैप्टर से हम गुना वाले प्रश्नों को कर रहे थे इसके पहले के क्लासेस में। आज उस प्रकार के प्रश्नों का लास्ट पार्ट है। इस पार्ट में हम गुना वाले प्रश्नों के ही कुछ और वैरायटी वाले प्रश्न देखेंगे। मैं चाहता हूँ कि आपके एग्जाम्स में कोई भी सवाल गुना वाले आए तो आप उसे आसानी से हल कर पाएं और बहुत ही सरल तरीके से तुरंत, क्योंकि समय का ही इंपॉर्टेंस इसमें। आपको किसी प्रकार का कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल दिमाग लगाना जैसे साधारण आदमी सोचता है वैसे। तो शुरू करेंगे प्रश्न एक से। प्रश्न एक में बोला गया है कि बैंक से मैंने कुछ पैसे कर्ज लिए 14% की साधारण ब्याज से, और जब वापस करना पड़ा तो मुझे कितना गुना वापस करना पड़ा? 2.4 गुना। इससे पहले के सवालों में हम क्या कर रहे थे? 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना जैसे पूर्ण संख्याओं वाले गुना के संबंधित प्रश्न कर रहे थे। लेकिन यदि प्रश्न में कुछ ऐसा दे दे दशमलव में कि 2.4 गुना या 5.6 गुना, तो आपको घबराना नहीं है, आपको करना वही है जो आप अभी तक सीखे। इस प्रश्न में साधारण ब्याज का दर दिया हुआ है और आपको पता है कि साधारण ब्याज का दर या तो दिया गया हो या पूछा गया हो, दोनों ही सिचुएशन में आपको शुरुआत कहां से करना है? सौ से करना है, आपको आसान हो जाएगा प्रश्न। तो शुरू करेंगे सौ से। क्या कहा जा रहा है? अब क्या कहा जा रहा है? 2.4 गुना। गुना का मतलब समझिए, आपको सीधा सा गुणा करना है। 2.4 गुना। 100 का 2.4 गुना क्या होगा? 240। 2 गुना मतलब 100 × 200 और 0.4 मतलब 40 रुपए। वे बच्चे जिनका बेसिक बहुत कमजोर है, समझ में नहीं आया कि 240 कैसे बना दिया, तो उनको मैं यहां थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। 100 है, मैंने आपसे कहा कि आप सीधे गुणे कर दें, तो 2.4 है। मैं दशमलव को हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा? दशमलव के नीचे एक लिखूंगा और एक संख्या है तो 100 लिख दूंगा। मतलब अब मुझे मिल गया क्या? 24/10। अब मैं 10 का 100 कटा दूंगा और 10 का 100 कटा, 100 का 100 कटा दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? 10 × 24 बच गया। अब 24 को मैं 10 से गुणा करूंगा तो 10 का 100 जो वहां पर चिपक जाएगा, तो हो जाएगा 240। अब वापिस आते हैं प्रश्न पे। हमने क्या देखा कि जो 100 रुपए था वो कितना रुपए हो गया? 240 रुपए हो गया। आपका दर क्या था? 14%। प्रतिशत मतलब क्या है? एक साल में मिलने वाला ब्याज का रकम है। कितने रुपए में? 100 रुपए में। तो कितना रुपए मिला था आपको? 14 रुपए। और आप एक बात बताइए, यदि 100 रुपए आपके पास है उसे 240 वापिस करना है तो कितना रुपए ब्याज होना चाहिए? 140 रुपए। भाई तभी तो 100 रुपए मूलधन था और 140 रुपए आपका ब्याज हो गया, तब जाके आपको क्या मिला? 240 रुपए मिला, जो कि आपको वापस करना है बैंक को। तो आप देखिए, एक साल में यदि 14 रुपए मिल रहे हैं तो कितने साल में 140 रुपए मिलेगा? ये कितना गुना दिख रहा है आपको? 10 गुना दिख रहा है। जब रकम 10 गुना होगा तो जाहिर सी बात है आपका समय भी 10 गुना होगा। इसका मतलब 10 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। रिवाइज करा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, कंफ्यूजन ना हो। दर दिया हुआ है, इसका मतलब हमें क्या करना है? 100 से शुरू करना है। कितना गुना? 2.4 गुना। गुना मतलब 2.4 गुना। जब करेंगे आप तो आपको मिलेगा 240। यहां पर एक और चीज देखिए, दिया गया है आपको दर, तो दर मतलब एक साल में मिलने वाला ब्याज का रकम है। 14 रुपए आपको मिला है एक साल में, और 100 रुपए को 200 रुपए बनाने के लिए आपको कितने ब्याज की जरूरत पड़ेगी? 140 रुपए। तभी तो ये 100 रुपए मूलधन और 140 रुपए ब्याज मिलकर क्या हो जाएगा? 240 हो जाएगा। तो भैया आप ये देखिए कि एक साल में 14 रुपए है तो कितने साल में 140 रुपए होगा? कितना गुना दिख रहा है? 10 गुना। तो
तो जब रकम 10 गुना हुआ तो समय भी 10 गुना होगा, तो आप 10 गुना, तो उत्तर आपका क्या आएगा 10 साल, यही आंसर है। दूसरे प्रश्न में मैंने बटा वाला ले लिया है, ठीक है, इसमें भी एक वैरायटी है, जब बटा में दे दे तो भी आपको नहीं घबराना, तो भी आपको करना उतना ही है। ब्याज की दर 5 और समय अपने का 3/2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर, अब दर पूछा गया हो या दर दिया गया हो, शुरू कहां से करना है, 100 से करना है, कितना गुना, गुना मतलब आपको सीधा गुणा करना है, 3/2 गुना, 3/2 गुना, 2 कटा दीजिए, 2 पंच 10, 2 शून्य 0, 3 पंचे 15 और 0। कहने का मतलब क्या हुआ कि 100 रुपए था वो कितना हो गया 150, कितने सालों में, 5 सालों में, यहां पर दिया हुआ है 5 साल, 5 सालों में उसको ब्याज कितना मिला होगा, 50 रुपए का ब्याज मिला होगा, तभी तो ये 100 रुपए 50 रुपए मिलके, ब्याज मिलके कितना हो गया 150 रुपए वापिस करना होगा उसे। तो जब 5 साल में 50 रुपए मिला तो 1 साल में कितना मिला होगा, 5 कम 5, 5 दहम 50, तो 1 साल में कितना मिला होगा 10 रुपए। जब 1 साल में रुपए 10 मिला तो आप ये समझ गए हैं कि ब्याज का दर क्या है। आपको पता है कि प्रत्येक 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज का रकम ही क्या होता है, दर होता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 10%। इस प्रश्न का उत्तर है। देखिए ये प्रश्न भी आपको लगभग एक नजर में आप देखेंगे तो आप धोखा खा जाएंगे, आपको लगेगा वो सेम प्रश्न होगा, ठीक उसी प्रकार से बनेगा, लेकिन यहां पर आप थोड़ा सा प्रश्न को ध्यान से समझिए। अभी तक क्या हो रहा था, जो मूलधन था वो पूरा का पूरा क्या हो रहा था, वापसी करते समय गुना में हो रहा था चेंज, लेकिन यहां पर आपके प्रश्न में क्या दिया हुआ है, साधारण ब्याज बस दिया हुआ है, साधारण ब्याज का ही वैल्यू दिया गया है, कितना, मूलधन का 2/5। तो इस प्रश्न में और बाकी जो प्रश्न हम हल किए हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको आप समझना। अब यहां पर वार्षिक दर पूछा गया है, दर पूछा गया, इसका मतलब हमें क्या करना है, 100 से शुरू करना है, मूलधन का 2/5, मूलधन तो यही 100 रुपए है, तो 2/5 हो गया, मतलब भाग हो गया, 2/5 कर दीजिए, तो 5 कट गया, 5 × 2 = 10, 5 × 0 = 0, और इसका अब गुणा करना है 20 का 2 से, तो आपका मिल जाएगा कितना, 20 × 2 = 40, अब मैं यहां पर 40 क्यों लिख रहा हूं, चार वर्षों में 40 रुपए मिला है उसे, यहां पर अब जो टोटल धन है उसके बारे में प्रश्न में पूछा ही नहीं गया है, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा था इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। यहां पर सीधा क्या बोला गया है, साधारण ब्याज के बारे में ही बात किया गया है कि वही मूलधन का कितना गुना हो जाता है, ये मूलधन रहा, हमने उसका गुना निकाल दिया, कितना गुना मिला हमको, 2/5 गुना, कितना रुपए, 40 रुपए, तो 4 साल में उसे 40 रुपए मिले, तो 1 साल में यहां भी आपको मिलेगा 10 रुपए, और प्रत्येक 100 रुपए पे 1 साल में मिलने वाला ब्याज का रकम क्या कहलाता है, दर कहलाता है। पूरे भागों में हम यही तो सीखे हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10%, इस प्रश्न का उत्तर है। उम्मीद है जो भी गुना वाले प्रश्न हैं आप समझे होंगे, मैंने सारे वैरायटीज करा दिए हैं, आपको उसको प्रॉपर नोट्स बनाना है, रिवाइज करना है, एक एक बार देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। मैंने कोई फार्मूला आपको नहीं बताया है कि आपको रट्टा मारना पड़े। यदि आप व्यापम का दिला रहे हैं परीक्षा, तो आप निश्चित मान के चलिए कि एक प्रश्न इसमें से आना बिल्कुल 100% तय है। और यदि आप SSC और बैंक क्लर्क, यदि SBI जैसे निकला हुआ है अभी, और व्यापम को
बहुत सारे एग्जाम्स रुके हुए हैं, तो उन सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन्हें ध्यान से पढ़िए, मिलेंगे अगले भाग में।